दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब आप खुश होते हो तो आपको नींद कम आती है और आप महज किसी की आंखों में देखकर उसका झूठ पकड़ सकते हैं। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। फैक्ट नंबर 10, कई बार हम किसी पर्सन के बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं और उसको पसंद करने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब हम किसी इंसान के इतने क्लोज हो जाते हैं कि एक्चुअली उसे हम बहुत पसंद करने लगते हैं, तो हम उसके टेक्स्ट मैसेज को भी जब पढ़ते हैं तो उसमें हम उसकी आवाज को फील करते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त अपनी दोनों आंखों को लेफ्ट साइड ऊपर की ओर बार बार ले जाकर बात कर रहा है, तो इससे आप समझ जाना कि सामने बैठा व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद वो जो भी बोलेगा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो सच ही बोलेगा। क्योंकि जब हम कोई रियल मेमोरी याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं और उस वक्त हमारी आंखें अपने आप लेफ्ट साइड ऊपर की ओर हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, हम यूजुअली ये समझते हैं कि जब हम किसी से माफी मांग लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम गलत हैं और सामने वाला इंसान सही। लेकिन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, माफी मांगने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गलत हैं और दूसरा सही। इसका मतलब तो ये है कि आपको अपनी ईगो से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति से रिलेशन की परवाह है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हम सभी कुछ बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं या अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। तो साइकोलॉजी की एक ट्रिक के अनुसार, यदि आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से ये पूछना कि इस काम को करने के बाद मेरी क्या पहचान बनेगी। जैसे आपको डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट को अपनाना है, तो आप खुद को इमेजिन करें कि यदि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ तो कुछ महीने बाद मैं कितना फिट हो जाऊंगा, बॉडी पोस्चर में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, एक्सेट्रा। तो उस हैबिट के कारण बनने वाली अपनी पहचान को इमेजिन करते रहे। ऐसा करने से केवल 15 दिनों में ही आपको फर्क देखने लगेगा। फैक्ट नंबर 6, कई बार आपको अपनी बात का रिप्लाई कुछ इस तरह मिलता है कि मैंने नहीं सुना। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर कोई लड़की कहती है कि उसने नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सच में नहीं सुना। दोस्तों, सुना सब होता है, वो बस आपको एक मौका देना चाहती है जिससे आप अपनी बात को चेंज कर लें। फैक्ट नंबर 5, एक रिसर्च में ये पता चला है कि यदि आप किसी व्यक्ति को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो तो इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला पर्सन भी अपने मन से आपको नहीं निकाल पा रहा है। फैक्ट नंबर 4, जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उन लोगों को ऐसे लोगों के मुकाबले जुकाम होने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है जो 7 घंटे से ज्यादा सोते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक रिसर्च के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुष 20 गुना ज्यादा लड़ाई झगड़े और अब्यूसिव वर्ड्स का यूज करते हैं, जबकि महिलाएं जन्म के समय और बाद में भी काफी शांत रहती है। और ये रिसर्च ये भी कहती है कि महिलाओं का आपस में झगड़ा भी बहुत कम होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको बीमार भी कर सकती है? जी हाँ, जैसा आपका माइंड सोचता है वैसा ही आपकी सेल्स रिएक्ट करती है, इसलिए अधिक नेगेटिव सोचने पर आपको बीमार जैसा महसूस होने लगता है। और अंत में फैक्ट नंबर 1, जब आप अपने किसी विचार पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा जरूर होगा, तो इस विचार को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और आपके जीवन में वो घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है। हमेशा याद रखें कि जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेजी से वो चीजें आपके जीवन में होने लगेगी।